हिमालय पर्वत खूबसूरती की चादर ओढ़े, ये अपने भीतर ऐसे रहस्य समाये हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। हिमालय इतना बड़ा है कि इसका विस्तार 5 देशों तक फैला हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन आते हैं। और तो और, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की गोद से ही निकलती है। हिमालय दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो कोई दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हजारों सालों तक अद्भुत शक्तियाँ बास करती थी, जो आज भी हमारी पृथ्वी को चला रही हैं। वैसे तो हिमालय की गोद में कई ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ प्रवेश करते ही मानो स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। और इसी हिमालय में थोड़ी जगह तो ऐसी भी है जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपने में भी नहीं जाना चाहेगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हिमालय के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जिनके पीछे की असलियत को जानने के लिए विज्ञान भी लगातार कोशिश कर रहा है और उसके हाथ आज तक कुछ नहीं लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय के अनसुलझे रहस्यों की गाथा को। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की गोद में मौजूद अदृश्य शहर के बारे में। दोस्तों, इस जगह को हिमालय की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है और इस जगह को सिद्धाश्रम, संग्रीला, ज्ञान गंज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पहुंचने वाला हर एक इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इस जगह को हमारी धरती का चौथा आयाम माना जाता है। इस जगह का तिब्बत और अरुणाचल के बीच होने का दावा किया जाता है, जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। आप सभी लोगों को यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इस जगह पर सिर्फ दही योगी और सिद्ध पुरुष पहुंच पाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। हिमालय में मौजूद इस जगह का वर्णन हमें रामायण और महाभारत में भी मिलता है और तकरीबन हर एक धार्मिक पुस्तक में ऐसे ही एक जगह का वर्णन जरूर देखने को मिलता है, जो सीधे तौर पर ज्ञान गंज और सिद्धाश्रम को ही दर्शाता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में वातावरण इतना खराब चल रहा है कि ठीक प्रकार से सांस लेना मुश्किल है और हर जगह आपको प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है, लेकिन अगर वही बात की जाए हिमालय की, तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है, क्योंकि हिमालय की वादियों में रहने वाले लोगों को दमा, टीवी, गठिया, कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसी अन्य बीमारियाँ छू भी नहीं सकती हैं। और जहाँ अन्य शहरों में प्रदूषण का वातावरण अपना कहर बरसाए हुए रहता है, तो वहीं हिमालय क्षेत्र के राज्यों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य बाकी अन्य राज्यों के लोगों के स्वास्थ्य से बहुत अलग होता है और वो लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर बात की जाए तिब्बत की, तो वहाँ के लोग औसतन लगभग 100 सालों तक जीवित रहते हैं, जो कि आज के इस समय में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा होता क्यों है, ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है। दोस्तों, अगर आपको भी एक स्वस्थ जीवन जीना है, तो आप भी हिमालय की गोद में जाकर रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकतर देवी देवता हिमालय पर ही वास करते थे और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव का स्थान था। उसके साथ ही इंद्रदेव का राज्य भी हिमालय पर ही मौजूद था। और दोस्तों, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि इन चीजों का जिक्र आप पौराणिक कथाओं के साथ साथ हमारे वेद और पुराणों में भी पाएंगे। आगे हम बात करते हैं हिमालय की गोद में पाए जाने वाले रहस्यमय जीवों के बारे में।
बात करें तो हमें सबसे पहले ख्याल आता है यति का। अगर आपको ना पता हो तो हम जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, यति वो जीव है जिन्हें हिम मानव भी कहा जाता है, यानी जिनका शरीर हम आम इंसानों के मुताबिक काफी ज्यादा विशाल और बड़ा होता है, लेकिन उनका आकार थोड़ा बहुत भालू के जैसा और थोड़ा बहुत हम इंसानों के जैसा होता है। और दोस्तों, ये एक तरह से बहुत ही रहस्यमय जीव भी माने जाते हैं, जो अभी तक तो सिर्फ कहानियों और किस्सों में ही सुने जाते थे, लेकिन हिमालय के पास रहने वाले लोगों से लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्यटक भी इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने इस जीव को देखा है। यहाँ तक कि 30 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इस बात का भी दावा करते हैं कि इस तरह के हिम मानव हिमालय पर्वत की गुफाओं में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये कहाँ और कैसे हैं इसका आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है। कहा जाता है कि हिमालय दिन के समय जितना हसीन और खूबसूरत दिखाई देता है, शाम के वक्त उतना ही डरावना लगने लगता है। यहाँ शाम के वक्त घर से बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि दिन ढलते ही यहाँ के कुछ स्थानों पर बुरी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। कुछ लोगों ने ऐसे शख्स को देखने का दावा भी किया है जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और फिर अचानक नजर आने लगते हैं। दोस्तों, आपने रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र तो काफी बार सुना होगा। दरअसल हिमालय पर्वत अनेक ऐसी वनस्पति और जड़ी बूटियों का भंडार है जहां तमाम मर्ज का इलाज है। बस क्या है, आपको इन जड़ी बूटियों की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी आप उनका लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और संत महात्माओं को यहाँ पैदा होने वाली जड़ी बूटियों की अच्छी खासी परख थी। माना जाता है कि हिमालय पर्वत पर कई ऐसी औषधियाँ मौजूद हैं जिनका नियमित रूप से इस्तेमाल करके सालों साल तक जीवित रहा जा सकता है। संजीवनी बूटी एक ऐसी ही अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि है जो मूर्छित इंसान को पल भर में खड़ा कर सकती है। रामायण में इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी के द्वारा यहाँ से ले जाने पर मूर्छित लक्ष्मण जी की जान बचाई गई थी। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत से जुड़ी यह अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।